हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू तालियन लाइफस्टाइल व्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत वंदना के साथ हो रही है। ये देखो पीछे वंदना हाय करते सबको। वैसे तो ये मेरे ब्लॉग में आती रहती है, लेकिन आज मैंने सोचा आज शुरुआत मैं वंदना के साथ ही करूं। और आज कौन सा दिन है? आज है बृहस्पति। हाँ, डेट क्या है आज? आज 15 तारीख है। यस, आज 15 तारीख है, थर्सडे का दिन है। और वंदना चादरें चेंज कर रही है क्योंकि कल हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान कौन आ रहा है? दीदी आ रही है, पीके जी की दीदी, तो मतलब मेरी भी दीदी। तो और बिट्टी आ रही है, बिट्टी भी थोड़े दिन पहले भी आई थी, तो अभी वो फिर से आ रही है क्योंकि उसके 2 एग्जाम और हैं। तो उसके जो एग्जाम के सेंटर हैं वो सब दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए कल वो लोग आ रहे हैं। तो बस कार्यक्रम शुरू हो गया यहाँ पे चादरें बदलने से। और ये चादरें मैं लास्ट वीक मंगा चुकी थी, वुलन बेडशीट्स हैं, अमेजोन से ऑर्डर करी थी। तो मैंने इनका ट्राई ऑन भी तभी किया था, तो पहले आप ट्राई ऑन देख लो, तब तक हम बेडशीट बिछा लेते हैं। Thank you.
तो नहाना धोना हो चुका है, नहाना धोना क्या हो चुका है, इनफैक्ट लंच भी हो चुका लंच के बाद, वरना बस अभी अभी गई है, टाइम हो रहा है 4 o'clock और फिर आज का स्लीपिंग टाइम, विराज का स्लीपिंग टाइम है। मैंने हेयर वॉश किया है तो अभी थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, बाल गीले हैं अभी और ठंड भी लग रही है नहा के, तो मैं विराज को जल्दी से सुला देती हूँ और फिर आपसे शाम को मिलती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। तो विराज को सुला दिया था मैंने वंदना के जाने के बाद, और उसके साथ साथ मेरी भी आँख लग गई और मैंने भी 1 घंटे की झपकी मार ली। तो अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock, पूजा करी है मैंने और अभी बस चाय बनाने जा रही हूँ, पीके जी की कॉल चल रही है तो बस चाय बनाऊँगी, चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे, कुछ एक सामान लाना है तो बस वही लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि फिर कल भी टाइम नहीं मिलेगा, फ्राइडे है कल और वीकेंड पे भी इधर उधर जाने का मतलब ग्रोसरी एंड ऑल लाने का तो सीन नहीं रहेगा, क्योंकि कल फिर दीदी भी आ जाएंगी, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा सामान नहीं लाना है, थोड़ा बहुत सामान लाना है। तो फाइनली हम लोग बाहर जा रहे हैं ग्रोसरी लेने, तो गाड़ी में बैठ के मिल रही हूँ आपसे फाइनली, और ये हमारे विराज एकदम पैक है और पीके जी गए हैं ऊपर वो ग्रोसरी बैग्स लेने के लिए, एक्चुअली हम आ रहे हैं, तो एक्चुअली हम लोग ग्रोसरी बैग्स अपने ही ले जाते हैं, क्योंकि हर बार ग्रोसरी आती है तो बहुत सारे बैग्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो हर बार नए नए बैग नहीं लेते, क्योंकि वहाँ पे वो एक बैग का 10 रुपीज़ या अराउंड 11 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो इसलिए हम बैग्स नहीं लेते, अपने ही बैग्स लेके जाते हैं घर से। सारी हमारी ग्रोसरी गाड़ी में एडजस्ट होते हुए, लेने तो गए थे थोड़ा सा सामान और बस थोड़ा थोड़ा करते करते इतना सारा हो गया। ये हमारे विराज अभी भी ट्रॉली में बैठे हैं चॉकलेट लेके अपनी, लाओ लाओ, नहीं क्यों, नहीं मेरी है, नहीं। तो सारा सामान एडजस्ट हो गया और सामान खरीदते खरीदते नौ बज गया हमें, सेक्टर 76 की स्ट्रीट फूड वाली मार्केट में आए हैं और यहाँ से हमने कुछ कुछ लिया है खाने के लिए, वैसे नॉन वेज है तो जो लोग वेज खाते हैं काइंडली स्किप दिस पार्ट, जो लोग नॉन वेज पसंद करते हैं उनके लिए मैं बता दूं ये बहुत ही डिलीशियस चिकन है। पीके जी बताएंगे कौन सा है स्पेसिफिकली, बता दो जरा। ये तो है चिकन चंगेजी, ये है चिकन चंगेजी और ये किस कहां से लिया तुमने? पायनियर फूड करके है सेक्टर 76 की मार्केट में,
बाहरी एकदम शॉप कोई भी आपको बता देगा वहां से लाए चिकन चंगेजी, साथ में रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी है। सीख कबाब तो भाई साहब बहुत अमेजिंग है। ये सीख कबाब है, ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, मतलब मैंने इनफैक्ट फर्स्ट टाइम खाया है और मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल। तो जो भी सेक्टर 76 की मार्केट आ सकता है नोएडा में तो डू ट्राई पायनियर का, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और ये है चिकन मलाई टिक्का, तो ये विराज को पसंद है इसलिए हमने लिया है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी अभी। तो चलिए हम लोग बस ये एंजॉय कर लेते हैं फिर घर निकलेंगे, घर जाके बहुत सारी ग्रोसरी को भी ऊपर लेके जाना है घर में, तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दीदी और बुआ स्कूल छोड़ने जा रही है। कितना खुश है, कितना खुश है। विराज कहाँ जा रहा है? पापा देखो बॉयकॉट हो गए, साइड में खड़े बैग लेके। विराज तो दीदी और बिट्टी गए स्कूल छोड़ने विराज को, और ये बस अभी हम लोग चाय वाय पी के हटे हैं। मेरी चाय इनफैक्ट थोड़ी ठंडी भी हो गई, तो बस चाय वगैरह हो गई है, 9:30 भी हो गया है और वंदना भी आने वाली है तो वो आती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनेगा, तब तक ये लोग छोड़ के भी आ जाएंगे। और यस, जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर ये व्लॉग थोड़ा लंबा हुआ तो मैं इसको यहीं पे एंड कर दूँगी और फिर नेक्स्ट व्लॉग से आगे की क्लिप आपको देखने को मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड।